Assalamu alaikum, welcome to Education Go channel. Today we are talking about the theories of population, which include the Malthusian theory, demographic theory, and the third one is the optimum theory of population. So without wasting any time, let's get started. So Malthusian theory jo hai, ye ek Malthus naam ka ek economist tha, jiski wajah se iska naam Malthusian theory rakhi hai. अच्छा, इस थ्योरी में हमने क्या पढ़ेंगे? इस थ्योरी में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे फूड एंड फूड सप्लाई का और पॉपुलेशन का, कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फूड सप्लाई और पॉपुलेशन. इट टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पॉपुलेशन ग्रो करती है वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू फूड सप्लाई. ये थ्योरी ये हमें बताती है कि माल्थस जो था उसने हमें ये बताया था कि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू फूड सप्लाई. मतलब ये कि पॉपुलेशन की जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फूड सप्लाई का. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फूड एंड सप्लाई इंक्रीज एट अर्थमेटिक रेट. अच्छा, यहाँ पर अर्थमेटिक रेट हम वेरी स्लो रेट को डोनेट करते हैं, जबकि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है एज ए ज्योमेट्रिक रेट. जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्योमेट्रिक रेट जो है वो वेरी फास्ट रेट को डोनेट कर रही है. तो जहाँ पे ज्योमेट्रिक रेट आएगा, आपको समझ जाना चाहिए कि वो फास्ट रेट है, और जहाँ पे अर्थमेटिक रेट है, आपको समझ जाना चाहिए कि वो लो रेट है. अच्छा, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ले लिया. दरमियान में हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है स्लोप की तरह, ओ पी, और दूसरी जो है एक लाइन जो है ये पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करेगी, जिसको ओ पी टू करेंगे, राइट. तो द ग्रोथ ऑफ इन फूड सप्लाई जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फूड सप्लाई जो है वो वेरी लो है, वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, लाइक इट्स वेरी स्लो, स्लोली 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 ये ऊपर जा रहा है, राइट, स्लोली स्लोली ये ऊपर जा रहा है. तो ये जो है ये ओ पी है, जो कि हम लोगों ने बताया है ये अर्थमेटिक रेट है, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीजिंगली ऊपर जा रही है, लाइक दिस. तो जब ये ओ पी और ओ पी टू जो है वो एक दूसरे को मीट आउट करेंगे, जब कट आउट करेंगे, तो वो एक क्राइसिस पॉइंट होगा. आफ्टर अ क्राइसिस पॉइंट यू सी द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज वेरी हाई. अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी वेरी हाई के ऊपर. अब वो ऊपर की तरफ जाना जा रही है, राइट. और जो ये हमारे पास फूड सप्लाई जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ऊपर जाएगी. तो इसका मतलब कि ये कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है एज़ कम्पेयर टू फूड और सप्लाई. माल्थस जो था उसने हमें सिर्फ यही हमें बताया है कि हमारी जो पॉपुलेशन जो है वो उसका रिलेशन और फूड सप्लाई का रिलेशन क्या है. उसने हमें ये बताया है कि पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ती जाती है, लेकिन फूड सप्लाई जो होता है वो डिक्रीज़ होता रहता है. अब इसके कुछ इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? टू कंट्रोल द पॉपुलेशन हमारे पास कोई पॉजिटिव चेक्स भी होते हैं और एक प्रेजेंटिव चेक्स क्या होते हैं. अब पॉजिटिव चेक्स क्या होते हैं और प्रेजेंटिव चेक्स क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चेक्स के बारे में. पॉजिटिव चेक्स वो होते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं. अ सिचुएशन दैट शॉर्टन द ह्यूमन लाइफ स्पैन, सिचुएशन ऑफ अ फेमिन, कहत का कोई ज़माना आ जाए, एपिडेमिक, इफ नो फूड, लैक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशंस, डिजीजे ज़्यादा हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, वॉर टू गेट फूड. इसका मतलब ये कि पॉजिटिव चेक्स ये होते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारी ह्यूमन की जो लाइफ होती है वो छोटी होती रहती है, राइट. वो किस तरह होगी? अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, जब व्हेन वी डोंट हैव फूड टू ईट, तो फिर क्या होगा, फेमिन होगा, कहत का ज़माना आएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि एपिडेमिक्स होंगी, डिजीज़ होंगी, लोगों के पास खाने का कुछ होगा नहीं, लोग क्या स्ट्राइक करेंगे, एहतजाज करेंगे, वॉर होगी टू गेट अ फूड. तो ये होते हैं पॉजिटिव चेक्स. अब टेम्प्रेरी तौर के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीपल कैन यूज़ टू ऑन फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन. फैमिली प्लानिंग हो सकती है, लेट मैरिजेस हो सकते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ सकते हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये जो था ये हमारा माल्थसियन थ्योरी था, जो कि रिलेशन बताता था हमारी फूड सप्लाई को और हमारी पॉपुलेशन को. अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांसिशन थ्योरी. डेमोग्राफिक ट्रांसिशन थ्योरी जो है ये हमें बताती है कि हाउ पॉपुलेशन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई ग्रोथ, हाई डेथ, टू लो बर्थ एंड लोअर डेथ एज वी प्रोग्रेस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल इकॉनमी. डेमोग्राफिक ट्रांसिशन, अब हमें इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि डेमोग्राफिक ट्रांसिशन का मतलब क्या होता है. ट्रांसिशन का मतलब होता है चेंज होना, और डेमोग्राफिक जो होती है वो हमारी एज हो गया, पॉपुलेशन की क्या एज है, व्हाट इज़ द बर्थ रेट, वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, वहाँ के लोगों के पीपल कैसे हैं, किस एज के पीपल हैं, तो ये हमें डेमोग्राफी बता रही होती है. टेल अस हाउ द पॉपुलेशन चेंजेस फ्रॉम द हाई बर्थ एंड द हाई डेथ टू लोअर बर्थ एंड द लोअर डेथ
एज वी प्रोग्रेस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल इकॉनमी। इसका मतलब ये कि अगर हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब हम लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या फ़र्क आता है। व्हेन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वेरी लो इट मीन्स वी आर मेनली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर देन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज़ हाई। अब ये मैं आपको इसकी सारी थ्योरी का मकसद जो है ये आपको डायग्राम में समझ आएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डायग्राम है, हमने एक्स एक्सिस में टाइम लिया है और वाई एक्सिस में हम लोगों ने बर्थ रेट और डेथ रेट लिया है। ये जो है ये बर्थ रेट है और ये जो है ये डेथ रेट है। ये स्टेज वन है, ये स्टेज टू है और ये स्टेज थ्री है। फर्स्ट ये जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें हम लोगों के पास हाई बर्थ रेट है, देखें हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है कि हमारे पास कोई खाने के लिए कुछ है नहीं, लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, नॉलेज है नहीं इनके पास, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा बच्चों को पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो समझते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी हमारी प्रोग्रेस होगी। तो अब होता क्या है कि जब फर्स्ट स्टेज से हम लोग इन्हें नॉलेज देना शुरू करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से हम शिफ्ट कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो फिर क्या होता है इनिशियली बर्थ रेट जो है वो ऊपर तो जाता है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नीचे आना शुरू हो जाता है और डेथ रेट जो होती है वो तो बिल्कुल नीचे आ रही होती है क्योंकि हमारे पास फैसिलिटेशंस आ जाती हैं, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटेशन आ जाती है, हमारे पास फूड अच्छा हो जाता है, हमारे पास खाने पीने का रहने सहने का हमें नॉलेज आ जाती है, तो ये हमारे पास डेथ रेट को काफ़ी नीचे कर देता है। ये हमारे पास सेकेंड स्टेज होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज़ द नेचुरल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। फिर हमारे पास थर्ड स्टेज आता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट भी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम हो जाती है। ये वो स्टेज होता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो कि डेवलप कंट्रीज़ जो होते हैं उसमें होता है, जिसमें हमारे पास प्रॉपर फूड होता है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं और ये जो है ये एक हाई और पीक लेवल होती है। तो ये जो था ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक बर्थ रेट और डेथ रेट कैसे चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन वी शिफ्ट एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की, वो है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एडविन कैनन ने इन्वेंट की थी और इसे डिस्क्राइब इस तरह हम करते हैं कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहती है कि व्हाट इज़ आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट एंड डिजायरेबल साइज ऑफ पॉपुलेशन, सो अवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज गिव अस अ मैक्सिमम रिटर्न एंड अवर पर कैपिटा इनकम रिमेन हाई। पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या होता है, इनकम अर्न पर पर्सन, एक इंसान जो है वो कितना कमा लेता है एक इंसान, उससे हम लोग कह रहे होते हैं पर कैपिटा इनकम, राइट। तो ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हमें ये बताती है कि एक आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए और हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे हम रह रहे हैं वो क्या उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब वो ऑप्टिमम है, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मतलब कि वो अंडर पॉपुलेटेड है और ओवर पॉपुलेटेड है। अच्छा, इस थ्योरी में हम लोग टॉक करेंगे, हम इस थ्योरी में हम लोग बात करेंगे अंडर पॉपुलेटेड के बारे में, ओवर पॉपुलेटेड के बारे में और ऑप्टिमम पॉपुलेटेड पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। अंडर पॉपुलेटेड में हम क्या कह रहे होता है कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो स्मॉल होती है लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50,000 जो है वो पॉपुलेशन है लेकिन हमारे पास 70,000 जो है वो रिसोर्स हैं। हमारे ज़खायर जो है वो ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो कम है, उसकी वजह से क्या होगा कि रिसोर्स जो होंगे वो यूटिलाइज सही नहीं होंगे। लेकिन होगा क्या इससे कि पर कैपिटा इनकम जो होगी वो हमारे तब भी लो होगी, राइट। तो अब हम बात करें ओवर पॉपुलेटेड के बारे में, तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लार्ज है और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो है वो कम होंगे। फॉर एग्जांपल कि 70,000 पॉपुलेशन है और 50,000 रिसोर्सेज हैं। अब हुआ ये कि लेस रिसोर्सेज हैं और पर कैपिटा इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी, तो ये जो है ये ओवर पॉपुलेटेड को डिस्क्राइब करता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेटेड पॉपुलेशन क्या होती है। ऑप्टिमम पॉपुलेटेड पॉपुलेशन जो है ये बेस्ट एंड मोर है, बेस्ट एंड मोर डिज़ायरेबल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, बेस्ट यूटिलाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन और रिसोर्सेज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और पर कैपिटा इनकम जो है वो हाई होती है। तो ये जो है ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की एक बहुत अच्छे नोट्स हैं जिसको आप अच्छे से याद कर लें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप यू नो यू गेट गुड मार्क्स। फिर हमारे पास ये डायग्राम आता है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, एक्स एक्सिस में हम लोग साइज़ ऑफ पॉपुलेशन रखेंगे और वाई एक्सिस में हम आउटपुट पर कैपिटा रखेंगे। ये ओ एन जो है इस ये पी जो है ओ एन पी जो है ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है, मतलब ये है कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज जो है वो इक्वल हो जाए। और ए पी जो है ये अंडर पॉपुलेशन है जिसमें हमारे पास साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल है और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लार्ज है, ये अंडर पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जबकि इसके उल्ट यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन जो है वो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है और रिसोर्सेज जो है वो कम है, लाइक जस्ट लाइक इन पाकिस्तान हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज है ही नहीं, राइट। तो अब इसको हम लोगों अब इस ग्राफ में हम लोग अगर देखें तो हम लोग दरमियान में लाइन लगाएंगे और वहाँ से लगाएंगे नीचे,
और ये जो होगा पी और एन ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगा, ना तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज होंगे ना तो इतनी पॉपुलेशन होगी। इसका मतलब ये कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज जो है वो हमारे इक्वल होंगे। तो ये थी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो आज हमने पढ़े थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना मत भूलें। टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।